तुम हो तभी तो ये किस्सा है, वरना कौन यहाँ अब किसी की कहानी का हिस्सा है। तेरे छोटे से किरदार को मैं बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ और हर उस यादगार पल को इन कोरे कागजों में रंग रहा हूँ जो हमने साथ साथ बिताए थे। मुझे पता नहीं कि तुम भी कभी किस्सा बनोगी और इन बेजान कोरे कागजों में जान फूंकने लगोगी। यूं तो कहते हैं कि वक्त सारे जख्म भर देता है, पर जब कुछ बीता याद आता है ना तो यही वक्त जख्म कुरेद भी देता है। ये कथाकार, ये लेखक, ये रचनाकार सब वक्त के बनाए हैं। मैं तुम्हें पा ना सका इसलिए लिख रहा हूं, और वहीं दूसरी ओर हर वो शख्स तुम्हें पाने की चाहत रखता है जो तुम्हें किसी दुकान की दराज में रखा देख वहां से खरीद कर पड़ रहा है। जरा देखो तो मैंने तुम्हारी बाहरी खूबसूरती का जिक्र तक नहीं किया, पर फिर भी असल जिंदगी में बाहरी सुंदरता मायने रखती है। तुम उनके लिए हकीकत से परे हो, पर जब पढ़ी जाती हो तो जैसे कोई कहानी नहीं वास्तविकता लगती हो। मगर मैंने जो कहानी लिखी है उसमें तुम्हारी बाहरी खूबसूरती को बहुत छोटा कर दिया है, क्योंकि मैंने तुम्हारी बाहरी खूबसूरती का जिक्र नहीं, तुम्हारा शारीरिक चित्रण नहीं, तुम्हारा मानसिक चित्रण किया है। क्योंकि इन कोरे कागजों में तुम्हारे शारीरिक चित्रण को दर्शाकर मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि जो वक्त हमने साथ साथ बिताया था उस वक्त में तुमने मुझे कितना जाना और मैंने तुम्हें कितना जाना। तुम आज भी मेरे उन जज्बातों से जुड़ी हो जो कभी मैंने तुम्हारे साथ साझा किए थे, इसलिए मैं भी उन यादगार पल को तुम्हें फिर से याद कर लेता हूँ अपने बिन बताए जाने के बाद। तेरी पहचान और कई सारे सवाल छोड़ कर जाऊँगा, शायद इसलिए क्योंकि मैं तेरे किरदार को अधूरा दर्शाऊंगा और फिर मैं भी इन प्यार के ढाई अक्षर की तरह अधूरा रह जाऊंगा। यूं तो मैं सब में उलझा न जाने कब से था, पर यहाँ भी सबको उलझा कर ही जाऊंगा। मुमकिन है कि वो तुम्हें पा सके, मुमकिन है कि वो तुम्हें पा सके, मगर मैं कोई कथाकार, रचनाकार या कहानीकार नहीं कहलाऊंगा, नहीं कहलाऊंगा। रिकॉर्ड योर पोएट्री, शायरी, स्टोरी विद म्यूजिक ओनली ऑन Nojoto app. डाउनलोड the app now.